हेलो फ्रेंड्स, आई एम पिथिस बनर्जी फ्रॉम पिथिस कंप्यूटर ट्यूशन। आज हम लोग पैटर्न्स का प्रोग्राम करने वाला है। पिछले वाला वीडियो में हम लोग पैटर्न्स का प्रोग्राम किया था, जो नेस्टेड लूप वाला प्रोग्राम्स है, आज हम उसका ही कंटिन्यूएशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो पैटर्न्स, तो हम लोग ए वाला पैटर्न आज करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। तो क्लास स्टेट 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई कॉमा जे फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे चार टोटो है, चार यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स चार है, तो इस कारण से आई इज इक्वल टू 4, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन आई माइनस माइनस, देन फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई हम लोग क्यों किया, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है 4, तो 1 से 4 तक घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फर्स्ट टाइम चार बार यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स चार है, इस कारण से आई लेस देन इक्वल टू आई दे दिया। तो अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करके यहाँ पे जे को प्रिंट कर देंगे, जे देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन, देन ए वाला फॉर का ब्रैकेट क्लोज, मेन का ब्रैकेट क्लोज, प्लस का ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार इसका लॉजिक हम एक बार बोल देता है, आई पहले 4 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, यहां पे 4 क्यों है, यहां पे चार टू लाइन है 1 2 3 4, इस तरह से 4, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j को हम 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू i लिख दिया, क्योंकि i का वैल्यू 4 है, तो हम यहां पे देख ही पा रहे हैं चार बार कॉलम घूम रहा है पहले बार, तो इस तरह से पहले बार चार बार भी घूमेगा, 1 से 4, 1 से 4 तक घूमेगा, तो यहां पे j को प्रिंट किया, मतलब पहले 1 प्रिंट करेगा, पहले 1 प्रिंट हो गए, देन पहले 1 प्रिंट हो गए मतलब ये वाला 1, देन j प्लस प्लस इनर लूप, हम पहले भी बोले थे इनर लूप पहले इटरेट करेगा, देन इनर लूप फॉल्स हो जाएगा, देन आउटर लूप में जाएगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, तो 1 प्रिंट हो गया, देन j प्लस प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, देन 2 प्रिंट हो गया, j प्लस प्लस 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, देन 3 प्रिंट हो गया, देन 4, 4 प्रिंट हो गया, देन j प्लस प्लस में 5 कंडीशन फॉल्स। तो ए वाला इस स्टेटमेंट में आ गया, तो एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब नीचे वाला लाइन में चला गया, देन i माइनस माइनस, i कितना हो गया, i 3 हो गया, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, देन j इज इक्वल टू 1 ऊपर से आ रहा है मतलब j अगेन 1 से शुरू होगा, देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, तो कितना बार घूमेगा यहाँ पे, 3 बार घूमेगा, और j यहाँ पे j को प्रिंट किया मतलब पहले 1 देन 2 देन 3 देन फिर नीचे वाला लाइन में चले आए, देन अभी i 2 हो गया, तो देन फिर अगेन j 1 से शुरू होगा, दो बार घूमेगा, j को प्रिंट किया मतलब 1 2 देन नेक्स्ट टाइम 1, तो ला इसका वर्किंग ऐसे हो रहा। ओके, नेक्स्ट पैटर्न, फोर 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 फोर, थ्री 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 थ्री, टू 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 टू, वन 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 वन, नंबर ऑफ लाइन्स कितना है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना है 4, चार्टो कॉलम, इस टाइम यहाँ पे चार बार करके कॉलम प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आई को हम 4 से शुरू कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू
यहाँ पे फोर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टाइम हर एक बार कॉलम चार बार करके घूम रहा है, यहाँ भी चार बार घूम रहा है, यहाँ भी चार बार घूम रहा है, यहाँ भी चार बार घूम रहा है, यहाँ भी कॉलम चार बार है, तो इस कारण से यहाँ पे फोर लिख दिया, मतलब ईच टाइम दिस लूप इटरेट करेगा चार बार करेगा। तो यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर दिया, तो आई का वैल्यू क्या है, फोर। यहाँ पे लूप कितना बार घूमेगा, इनर लूप कितना बार घूमेगा, वन से चार बार घूमेगा और आई को प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू क्या है, फोर। तो वन टू थ्री फोर मतलब चार 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 बार घूमेगा, आई को प्रिंट करेगा, मतलब आई का वैल्यू क्या है, फोर। तो फोर चार बार प्रिंट होगा, देन नीचे वाला लाइन में आ जाएगा, देन आई माइनस माइनस आई कितना हो गया, थ्री। जे अगेन वन से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू फोर मतलब चार बार घूमेगा, आई को प्रिंट किया तो आई का वैल्यू क्या है, थ्री। तो चार बार थ्री प्रिंट करेगा, वन टू थ्री फोर, चार बार थ्री पिन कर रहा है, थ्री 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 चार बार हो रहा है। अगेन आई माइनस माइनस कितना हो गया, टू। तो लूप यहाँ पे इनर लूप वन से चार बार घूमेगा, आई को प्रिंट किया मतलब टू 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 चार बार टू प्रिंट करेगा, अगेन वन चार बार वन प्रिंट करेगा, ओके। तो इसका बाद से हम नेक्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन करेंगे, पैटर्न वाला ही करेंगे। तो अगेन फिर एक बार हम बोल रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।